अब हमारे जो है वो जो साहब आ रहे हैं इतनी दफ़ा ये शेर कह चुके हैं, परवीन शाकिर के जो है इन्हीं की ज़बानी चलती है और कहीं अब ये अब आजकल इन्होंने आना छोड़ दिया है तो बस इन्हीं का शेर है जो कि पता नहीं परवीन शाकिर के नाम से है तो बस यहीं लौट के आ जाते हैं। बात अच्छी तो यही है मेरी हरजाई तो हरजाई को बुलाते हैं हम। देखा आ गया मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है मकसूद नईम साहब ने एक वो शेर वो गजल जो सुनाई थी उसी की बहर में मुझे याद है अल्लामा इकबाल का कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। नहीं भाई तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, बड़ी बज़म में राज की बात कह दी। नहीं साहब बड़ी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सदा चाहता हूँ। आज मैं ये फ्राज का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी महफिल में नहीं साहब फराज का है कि दिल गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, दिल गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, याद जाना से कोई शाम ना खाली जाए, दिल गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, वो मरव्वत से मिला तो झुका दूँ गर्दन, वो मरव्वत से मिला तो झुका दूँ गर्दन, मेरे दुश्मन का कोई वार ना खाली जाए। रफ्ता रफ्ता यही जिंदा में बदल जाते हैं, रफ्ता रफ्ता यही जिंदा में बदल जाते हैं, अब किसी शहर की ना बुनियाद ना डाली जाए। और आखिर में ये है कि उसका बेनवा शहर का साया है मेरे दिल पे फराज, बेनवा शहर का साया है मेरे दिल पे फराज, किस तरह से मेरी ये अशुफ्ता ख्याली जाए, दिल गिरफ्ता ही सही बज़म सजा ली जाए, याद जाना से कोई शाम न खाली जाए। तो आखिर में एक परवीन शाकिर का सुना देता हूँ क्योंकि इसके बगैर बहुत ज़रूरी है, रोटी हजम नहीं होगी। कि वो कहती है कि अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समेटे कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई, कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई, जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। खालिद भाई मैं तो उस दिन से हरासा हूँ कि जब ये हुक्म मिले, मैं तो उस दिन से हरासा हूँ कि जब ये हुक्म मिले, खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे पे झांके कोई, कोई आहट कोई आवाज़ कोई चाप नहीं, कोई आहट कोई आवाज़ कोई चाप नहीं, दिल की बस्ती है बड़ी सुनसान आए कोई, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊँ तो मुझको न समझे कोई। वो अल्लामा इकबाल का नहीं, पिछले दिनों ना इस अहमद क्या थे शेर लिख मुस्तफ़ा ज़ैदी का मुझे, हाँ जी कि उसका एक शेर यार शेर लिखते थे मुस्तफ़ा ज़ुल्फ़े जहलम के थे कभी कैदी, शेर लिखते थे मुस्तफ़ा ज़ैदी, तो उसमें था कि फनकार खुद ना थी वो मेरे फ़न की शरीक थी, फनकार खुद ना थी वो मेरे फ़न के शरीक थी, वो रूह के सफ़र में मेरे बदन की शरीक थी, उतरा था जिस पे बाबे हया का बरक बरक,
اترا تھا جس پہ باب حیا کا ورق ورق بستر کے ایک ایک شکن کی شریک تھی، فنکار خود نہ تھی وہ میرے فن کی شریک تھی۔ تو اور شکریہ مقصود اور خاطر آ کر اب جو ہے بات ان کے آتے رہنے پہ، تو ہمارے ایک اور صاحب ہیں جن کے لیے کہا امیر نے کہ آج کل کبھی کبھی آتے ہیں، تو آپ جب آ ہی گئے ہیں تو پھر تھوڑے سے تصرف کے ساتھ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج خالد غزل سرانہ ہوا، تم کہتے ہو کہ خالد کے ساتھ خالد لگا دیا کرو۔ انہوں نے اصل میں نے خالد اس لیے لگایا کہ یہ جو ہے کہنے لگے کہ یار یہ خالد جو ہے نا بڑا صحیح فٹ ہوتا ہے، بہت سارے شاعروں کے ساتھ چلتا ہے۔ میں نے کہا غالب کا تو پورا دیوان تمہارا ہوا۔ تو آج جاوید جو خالد نے کہا، پہلے غالب نے کہا تھا پھر خالد نے کہا، تو آ رہے ہیں غزل سنا ہونے کے لیے جاوید اقبال۔ السلام علیکم۔ یہ کلام جو ہے یہ احمد فراز صاحب کا ہے اور میری احسن صاحب کا گایا۔ نہیں، انہوں نے ابھی احمد فراز کا کلام بنایا، آدھے فراز ہو گئے، تو یہ میری احسن صاحب کا گایا ہوا ہے۔ رنجش ہی صحیح، رنجش ہی صحیح، دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی صحیح۔ پہلے سے مراسم نہ صحیح، پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ صحیح پھر بھی کبھی تو، رسم و رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ، رنجش بھی صحیح، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، رنجش بھی صحیح، کچھ تو کچھ تو کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، رنجش ہی صحیح، ایک عمر سے ہوں لذت گریا سے بھی محروم، ایک عمر سے ہوں لذت گریا سے بھی محروم، اے راہ تجا مجھ کو رلانے کے لیے آ، رنجش ہی صحیح، دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی صحیح۔ شکریہ جاوید صاحب۔ میر صاحب نے کہا ایک اور پروین کی میں سنا دوں، تو جو ہے یہ جاوید صاحب جو ہے جو ہے جو انہوں نے چنی وہ ایسی چنی کہ بھائی جو شاعر تھا نا بڑا پرسسٹنٹ تھا، اس وجہ سے آ جا، اس وجہ سے آ جا، اس وجہ سے آ جا، آ جا بس،
तो उन्होंने कहा बस आ जा। तो ये जावेद साहब की खूबी है या उसकी खूबी है, तमाम चीज़ें। तो आज अब जो है काफ़ी जो है वो बात हो गई कि जो है आपने लतीफ़े सुनाए, सब कुछ हुआ खवातीन वगैरह को। तो खैर अब जो है मैं बुलाऊँगा किसी को, तो ऐसा है कि कल शेर मुझे याद आ रहे हैं, मैं उनको सुनाऊँगा। ये एक शायर कहता है कि आई है उनके चांद से चेहरे को चूम के, आई है उनके चांद से चेहरे को चूम के, जी चाहता है चूम लूँ अपनी नज़र को, और जी चाहता है चूम लूँ अपनी नज़र को। आपकी बड़ी मुश्किल है बोले ना मुझको तो अच्छा आप नजर पे तो दूसरा कहता है नहीं कोई ज़्यादा वो कहते हैं गो जुल्म बेहिसाब किया इस निगाह ने, है ना, रुस्वा किया खराब किया इस निगाह ने, आपसे ज्यादा कौन जानेगा, सही है ना। लेकिन एक काम लाजवाब किया इस निगाह ने, वो क्या था, जो तुझको इंतखाब किया इस निगाह ने। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किसको बुलाऊं, घर जाने का टाइम आ गया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं ना, घर जाने का टाइम आ गया। तो इंतखाब निगाह दुरिया सैयद, तो हसब मामूल इन्होंने कहा कि मैं तो आज कुछ तैयारी करके नहीं आई, ये नहीं आई, क्यों आऊँ। मैंने कहा तुम्हें क्या है, तुम जाना अपनी जुमलेबाजी करना, शौहर का मजाक उड़ाना, तुम भी खुश और दूसरे लोग भी खुश, और वैसे भी आज जो है वो शौहर डे था। दुरिया सैयद नहीं, बस मुशायरे का शायद यही फायदा है सबसे बड़ा कि जितना अच्छा तारुफ मिलता है ये घर में नहीं मिल सकता। तो जो है तो ऐसे घर में ही नहीं मिलता है सब कुछ। तो आज दो शेर, पिछले दिनों अपने वालिद के पास गई हुई थी तो उनके दो शेर हैं और संजीदा हैं, और उसके बाद एक हमारा मज़ाहिया मुशायरा हुआ था, पहला मुशायरा जो था हमारा मज़ाहिया मुशायरा था, तो उसमें जो कुछ चंद शेर कहे थे वो आप लोगों की नज़र, मगर पहले दो संजीदा शेर। ये कतरे नहीं हैं शबनम के, गिरते हैं सहन में गुलशन के, महरू में तमाशा नरगिस से, अश्कों की रवानी होती है, महरू में तमाशा नरगिस से अश्कों की रवानी होती है। ये मेरे वालिद का शेर है, और पिछले दिनों वो बहुत अकेले थे तो उनको अपना पिछला एक शेर याद आ रहा था, तो मुझसे कह रहे थे कि मुझे आज ये शेर याद आ रहा है कि तपते हुए सहरा में तन्हा मैं हूँ मेरा साया है, तपते हुए सहरा में तन्हा मैं हूँ मेरा साया है, हर हाहट पे हर आहट पर गुमा ये गुजरा शायद कोई आया है। तो पिछले दिनों वालदा को याद कर रहे थे तो उन्हें बार बार यही लगता था कि हर आहट पे गुमा ये गुजरा शायद कोई आया है, शायद के नहीं को बुलाया है। ये भी हो सकता है। तो हम लोग कुछ सालों की बात है कि ये पाकिस्तान में काम कर रहे थे और मैं यहाँ अमरीका में थी, तो उस जमाने में हमारे बच्चे जोश और सारी इंडियन मूवी देख रहे होते थे, तो उसकी ज़बान जो थी वो एक फ़र्क ज़बान होती थी, तो उसमें एक मज़ाहिया तरीके से जब ये मुझे कॉल करते थे वहाँ से, तो उस पर मैंने लिखा था, तो वो आप लोगों की उस पर, और आप हंस सकते हैं, ये मज़ाहिया ही है। मुश्ताक अहमद यूसुफी को सुनने के बाद कोई मजा जो है वो तो लगता ही अच्छा लगेगा, नहीं तो होगा, फिर भी कोशिश है, हमने पहले ही हंस लिया, रहने दो, ये अच्छा है आपने, क्योंकि अगर आप बाद में हंसते तो फिर कोई और लतीफा होता है कि कुछ लोग बाद में हंस रहे थे, तो पहले हंसने वाला अकलमंद कहलाता है, बाद में हंसने वाले का कुछ और कुछ नाम होता है। तो बड़ी बहन है जो मर्जी बड़ी बहन है। तो वहां पाकिस्तान से कॉल आती है, इतनी रात को अपन तेरे को कोई नई धमाका देने की खबर कॉल करेगा नहीं, अपन मशरकी मर्द है, मर सकता है पर तेरे को आई लव यू कह सकता नहीं, वैसे अपन को तेरी कभी कभी याद आती है, सच्ची बोले तो अब अपन को अमेरिका की याद सताती है, अब अपन और कितनी फेंके
बस कॉमन सेंस है समझ जा, कल तेरे को काम पे जाना है, हे गुड नाइट लुढ़क, हे गुड नाइट, हे गुड नाइट, मेरे मुझे वो चलेंगे, जा सो जा लुढ़क जा। और एक दूसरा था, एक मैंने इनसे पूछा कि मैं किस पे लिखूं, तो इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा मर्दों को मशवरा लिखूं या कोई और लिखूं, तो आज इन्होंने खुद कहा कि भाई मर्दों पे तो पड़ ही रही है, तो मैंने कहा इतने औरतों के शेर हो चुके हैं तो अब कुछ मर्दों के भी हो जाए। नहीं 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 मैं नीचे नहीं भेजूँ। हाँ, मशरकी मर्द बोले तो बड़ा ड्रामा है, मशरकी मर्द बोले तो बड़ा ड्रामा है, पल में तोला है तो पल में माशा है, पल में तोला है तो पल में माशा है, मजहबी हों या सिर्फ नाम के मुसलमान, मजहबी हो या सिर्फ नाम के मुसलमान, चार शादियों पे यकीन है, चार शादियों का अरमान। मशरकी मर्द हो, मजहबी मर्द हो या नाम के मुसलमान, चार शादियों पे यकीन है, चार शादियों के अरमान। अमेरिका माइग्रेशन ने अफसोस ये दिन दिखलाया, अमेरिका माइग्रेशन ने अफसोस ये दिन दिखलाया, खैर से सारे बदू फाइनली घर को आए, भूल गए चार शादियाँ, भूल गए चार शादियाँ, रह गई फकर छेड़ खूबा से, हसरत से कहते हैं रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। और ये मकता है, एक से आजिज हैं, चार से क्या निभा पाएंगे, एक से आजिज हैं, चार से क्या निभा पाएंगे, जन्नत में हूर भी मिली तो बाजी कह के सिमट जाएंगे। एक से आजिज है, चार से क्या निभाएंगे, जन्नत में हूर भी मिली तो बाजी कह के सिमट जाएंगे। पता नहीं बाजी कह के लिपटेंगे या नहीं लिपटेंगे, वो तो खैर आप लोग जानते हैं। हमारा तो ये हाल है कि सुना है कैसी कयामत की वो घड़ी होगी, सुना है हूरों के दरमियाँ बेगम भी खड़ी होगी। तो अब बस क्या कर सकते हैं। तो खैर हमारा पहला राउंड तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है। वो कहते हैं ना कि आखिर का जो है, अगर किसी को मैंने नहीं बुलाया, कोई आना चाहता है तो प्लीज़ बताएं मुझे। और एक तो नाम थे, उन्होंने कहा बाद में, वो दूसरा राउंड है, अब सब दूसरा राउंड है। अब हमारा राउंड पहला ख़त्म हो रहा था, तो मुझे जो है मीर साहब ने याद दिलाया कि वो हमारा एक नौजवान फनकार पीछे बैठा हुआ है, सुन भी नहीं रहा है, लेकिन वो आना ज़रूर चाहता है। जैन जैन, क्या बात है यार, आ जाओ। पहली मरतबा बहुत सुना है मैंने इस महफिल का, रिया के बोल से, और पहली मरतबा मैं इस महफिल में शामिल हुआ, बड़ा अच्छा लगा सब वो समझ के। तो मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन एक गाने में गाता हूँ हमेशा, मैं वही दोबारा गाऊँगा। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीर आवे को लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना
नदीम साहब आ रहे हैं, ये जनाब जो है रिपोर्टर भी है, दुनिया भी देखते हैं और जो है दिखाते भी हैं। तो देखना और दुनिया दुनिया को देखना और दिखाना, ये जो है इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और एक ख्वाहिश नातमाम रहती है। और इसमें हमेशा ये रहता है कि ये सोचा जाता है कि क्या चीज़ है, हम जो है क्या हैं, उसमें बहुत सारी पेशाखें निकलती रहती हैं, मज़हब भी उसमें शामिल है, फलसफा भी है। तो मुझे ये दो शेर याद आ रहे हैं जो दो मुख्तलिफ शायर ने कहे हैं और एक तरह से वो समअप करते हैं। एक शायर कहता है, ऐसे भी मनाजिर गुजरते हैं नज़र से जब सोचना पड़ता है खुदा है कि नहीं है। दूसरा शायर कहता है, आगही में एक खिला मौजूद है, आगही में एक खिला मौजूद है, इसका मतलब है खुदा मौजूद है। तो इन दो शेरों को अगर आप कहें तो ये काफ़ी हद तक जो है, तो अब जो है दुनिया दिखाने के लिए आ रहे हैं नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यानी शेरों के लिहाज से तो जी तहे दामन हूँ, और क्योंकि मेरा ख्याल है दाग से लेकर फराज तक सब जो है निपटाए जा चुके हैं। और लेकिन एक पहलू मैं देख रहा था वो कुछ नसर का है, तो अगर हमारी इस महफिल में नसरी हवाले से भी चंद बातें जहन में आ रही थी, जैसे कि मुख्तलिफ शेरों के हवाले से ही, और ख़ास तौर पर जब शेर व शायरी का रोग जो है बड़े बड़े लोग या बादशाह पालते हैं, तो फिर कभी कभार एक मिसरा बोल के दूसरे मिसरे में वो ऐसे उलझ जाते हैं कि तमाम अमूर सल्तनत को छोड़कर उनकी हुकूमत और उनके सारे कारिंदे उसी शेर की तकमील के अंदर जुट जाते हैं। इसी तरह का एक मिसरा ईरान के बादशाह उनके मुँह से भी निकल आया, जो कि ये था कि दुर्रे अबलक किसे कम दीद मौजूद। उनके पास एक सफ़ेद मोती था, उसकी तारीफ़ में उन्होंने कि सफ़ेद मोती और बहुत कम आँखें हैं दुनिया में जिन्होंने उसको देखा। अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया, सारे काम वो छोड़ छाड़ बैठे, सारे बुजरा, और उन्होंने कहा जी इसको मुकम्मल करो। उस वक्त का एजेंडा यही ठहरा, जब ईरान के शवरा जो थे वो अपनी तमाम लिसानी ताकत के बावजूद बेबस हुए, तो उन्होंने कहा कि अब सफरा से काम लिया जाए और दीगर दियार में भेजे जाए उन लोगों को, ताकि शायद वहाँ के कुछ शुरा काम आए। तो ऐसा ही एक संदेशा हिंदुस्तान में पहुँचा जब औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत थी, तो वहाँ पर अगेन जब शुरा को ये मसला पेश किया गया कि हमारे ब्रादर ईरानी मुल्क ईरान की हुकूमत को ये मसला दरपेश है, तो उसके ऊपर यहाँ के शुरा भी जुट गए। तो उसमें फिर कुछ यानी कह लें नज़र न्याज भी बहुत होती है जब किसी बादशाह का आप ऐसी गुत्थी सुलझाएं। तो खैर जब वो भी बेबस हुए, तो एक दिन बात करते करते उसने कहीं घर में ज़िक्र कर बैठा कि
unki beti thi Zeybun Nisa jo badi maroof thi aur wo bhi shayara thi unhone kaha bas aajkal to bas yahi dimag mein padi hui hai ki usko kaise khush kare roz musibat aati hai aur koi pura nahi kar pa raha ki abba sher kya hai usne kaha ki durre ablak kise kam deeda maujood to wo usi sham apni sangar mez pe baithi thi to usne surma lagaya to ek aansu jo hai wo bahar nikla تو اس کے فٹ منہ سے نکلا مگر اشک بتان سرما آلود مگر معشوق کی آنکھ سے نکلا ہوا سرما آلود آنسو اور یہ شعر مکمل تھا اس کا ہم وزن تھا اور اسی جو درِ ابلک ہے ابلک کی مانند تھا یہ سرما آلود آنسو جب وہ ایران میں گیا تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ جناب یہ ہمارے ہاں کے شاعر نے تو وہاں بڑے اس کی واہ واہ ہونی شروع ہو گئی تو بادشاہ سلامت نے کہا جی کہ ہم تو ایسے شاعر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم سیکھیں گے اور وہ تمام درباری بھی کہنے لگے جی کہ حضور ان کو پھر یہیں بلانے کی دعوت دیں تاکہ ہم بھی ان کے علم سے فیض یاب ہوں اب اگین ایک پیغام پہنچا تو وہ زیب النساء پردہ بھی کرتی تھی تو اب اس نے کہا تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا تو خیر اس نے کہا ابا چلے میں آپ کی یہ بھی مصیبت حل کرتی ہوں جو کہ اکثر بیٹیاں باپوں کی مصیبت حل کرتی ہیں اس نے ایک کاغذ پہ لکھ دیا کہ در مخفی منم جنبو گل در برگ گل در مخفی منم جنبو گل در برگ گل کہ میں چھپی ہوئی ہوں در مخفی منم جس طرح خوشبو پھول کے اندر چھپی ہوتی ہے ہر کے دیدن میل دارت بیند مرا جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے وہ اسے دیکھ لے تو جب جو ہے یہ لکھا ہوا بھیجا گیا تو اگین وہاں پر انہوں نے کہا کہ بڑی گستاخی ہے کہ انہوں نے شاعر نہیں بھیجا ایک ورقہ بھیج دیا اس کے جواب میں ہمارے اس طالبے پر تو پھر ذرا عقل مند اذہان بیٹھے سوچا تو انہوں نے کہا کہ جو مخفی ہے پہلے لگا کہ یہ شاید کسی شاعر کا تخلص ہے تو انہوں نے کہا مخفی چھپا ہوا تو ہو نہیں سکتا چھپی ہوئی ہو سکتی ہے تو لہٰذا اپنے کسی ایسی وجہ سے وہ آنے سے قاصر ہے تو انہوں نے بہت یعنی کہہ لیں اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا اسی طرح کی مختلف یعنی اور ظفر علی خان ہمارے اردو عہد کے بڑے شاعر وہ بچپن میں جب تھے چھوٹے سے تھے تو ان کے ایک استاد تھے چغن لال ان کا نام تھا تو وہ بچوں کو سزا کے طور پر جو ہے وہ ساتھ افیم کھاتے تھے تو وہ جب بھی کوئی بچہ کام نہیں کرتا تھا تو اسے کہتے تھے افیم کی ایک چسکی لانا تو اس زمانے میں ایک آنے کی چسکی آتی تھی تو ایک دن بڑی ترنگ میں آئے اور انہوں نے ایک شعر بولا ایک جملہ بولا واہرے چمن لال کیا زبان میں تیری لطافت ہے اب وہ دوسرا پورا نہ ہو سارا دن بے قراری میں ٹہل رہے ہیں کبھی اس بچے کو مار رہے ہیں کبھی اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو اس کو مکمل کرے گا اس کو ایک چسکی معاف تو بڑا پیکج تھا سارے بچوں کا ذہن لگ پڑا تو ظفر علی خان نے بھی تو یہ فوراً کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایڑیاں بھی ہیں ٹانگیں بھی ہیں تیری لمبی لمبی اور ایڑیوں میں تیری طاقت ہے تو ہوتا راسی یہاں پڑھانا تیری حماقت ہے پڑھاتے نہیں تھے وہ لیکن بڑے زندہ دل استاد تھے تو انہوں نے کہا واہ ظفر علی ایک دن تو بڑا شاعر بنے گا بس دو چسکیاں معاف ایک اور بات عربی زبان کے ایک بڑے خوبصورت نحوی عربی میں سب سے بڑے نحوی سمجھے جاتے ہیں جاہز ان کا نام تو جاہز بہت خوبصورت لکھتے تھے لیکن وہ جتنا خوبصورت اپنی تحریر میں تھا اپنی شکل کے اعتبار سے وہ اتنے ہی ذرا ان کا ہاتھ تنگ تھا تو وہ انہوں نے بہت کچھ اپنے اس حوالے سے لکھا اور اس زمانے میں لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے یعنی چیزوں کو کرتے کہتے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو باہر دیکھا تو یہ ایک بہت خوبصورت سی خاتون اور بڑے جمال اور جلال کا مرقع اور انہوں نے مجھے دیکھا اور میں ابھی حیرت میں تھا کہ یہ کون ہے جو میرے دروازے پہ آئی ہیں انہوں نے کہا تعال مائی میرے پیچھے آؤ میں بس اس کہہ لیں کہ وہ حسن بھی ایک طاقت ہے تو اس طاقت کے روپ میں پیچھے چل پڑا تو وہ بازار صرافہ میں گئی تو وہاں پر جا کر ایک سنار کے پاس اور مجھے اندر بلایا اور جا کے دکاندار کو کہا مثل ذالک اس کی طرح تو میں پھر کچھ نہیں سمجھا کہ کیا ہوا اور میرے ہاتھ بھی ایک دینار رکھا اور چل پڑی تو میں بڑا پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے تو جب میں نے اسی میں حیرت میں سنار سے پوچھا کہ ایشا تھا یہ کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے تو وہ ہنسے جائے ذرا پیٹ پکڑ کے ہنس رہا ہے کہتا کہ میں نے تو وہ بعد میں کہتا چھوڑنا
کچھ خیر اصرار کیا تو کہنے لگے کہ یہ کل آئی تھی کہ ایک خوبصورت لاکٹ بنانے کا آرڈر کیا تو اس کے اوپر کہا کہ شیطان کی تصویر بنا دی. میں نے کہا کہ جی میں نے تو دیکھا نہیں, کہتی کل لے آؤں گی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ندیم صاحب. شعر مکمل کرنے کا, جو شعر مکمل ہوئے تو یہ جو زید النساء کا جو قصہ ہے یہ تو بہت ہی مشہور ہے. اور اب مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن مجھے شعر یاد آ گیا تو شاعر کا نام آپ لوگ بتائیں گے. تو ایک شاعر تھے, وہ جو ہے اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے محفل میں اور ان کی مصرع آ گیا, دوسرا مصرع مکمل نہیں ہو رہا تھا, پہلا مصرع تھا. اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی, تو بس وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساز شاعر جتنے بندے تھے اور پھر وہ جو لاٹھی لے کے بھاگے ان کے پیچھے, نام کیا تھا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو تم تو مقررین میں سارے مقررین جمع ہو گئے. تو بہت خوب